आज मैं आप सभी के साथ मटर के छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब कभी आपका राजमा छोले से मन भर जाए ना, तो एक बार आप ये सफेद मटर के छोले की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। ये सब्जी कम मेहनत में झटपट बनकर तैयार हो जाती है और इसका जो स्वाद है वो एकदम अमेजिंग है। आप एक बार इसे ट्राई कर लेंगे तो आप हमेशा इसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सफेद मटर के छोले या सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटर को रात भर सोख कर लिया है। इसे ना फूलने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, तो आप इसे रात भर सोख करने के लिए रख दें। और यहाँ पे देखिए मटर जो है अच्छी तरीके से फूल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पानी जो है उसको निकाल लेंगे और साफ पानी से ना एक दो बार धो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटर को साफ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लिया है और यहाँ पे मटर जो हमारी वो क्लीन है। अब हम इस मटर को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में सारे मटर को डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 कप के करीब पानी डाल दिया है और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक का यूज किया है। नमक के कारण ना मटर जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर। यहाँ पे आप चाहे ना तो आलू भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस सब्जी में आलू ऐड करना चाहते हैं तो आप आलू को भी साथ ही बॉईल कर सकते हैं। मैं केवल मटर की घुगनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक मटर बॉईल हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 2 तेज पत्ता और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। आप चाहे ना तो इसमें और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट किया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और एक अच्छा कलर आने तक हम प्याज को भून लेंगे। यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी ना आपको थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। थोड़ा ज्यादा प्याज का यूज करेंगे ना तो सब्जी और भी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो जब तक प्याज भून रही है ना अदरक लहसुन कूट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और इसे ना हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट ये जो कुटी हुई अदरक लहसुन है ना उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे देखिए प्याज में एक बढ़िया सा कलर आ गया है, प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तब हम इसमें ये कुटी हुई अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और डालकर इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो जब तक अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भून रही है हम मसाला का एक पेस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए कटोरी में मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच छोले मसाला। आप यहाँ पे चाहे तो चिकन मसाला या सब्जी मसाला कोई भी मसाले का यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास ना हो तो आप बेसिक मसालों के साथ भी इसे बना सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छी तरीके से भून गई है। तब हम इसमें ये मसाला का पेस्ट डाल देंगे जो भी हमने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाला पेस्ट को डाल दिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो मसाला को भूनने के टाइम में ना उसमें पानी जरूर होना चाहिए, इससे मसाले जो है वो अच्छी तरीके से भूनते हैं। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने मसाले को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ढककर ना इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरीके से भूनने देंगे। यहाँ पे हमारी मटर में भी सीटी लग गई है। इसे मैं हाई फ्लेम पर 2 सीटी और लो फ्लेम पर 1 सीटी आने तक कुक कर रही हूँ। इतना में आपका जो मटर है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। बस आप प्रेशर को अच्छी तरीके से निकलने दे, उसके बाद इसका ढक्कन खोले तो मटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे 5-6 मिनट हो गए हैं, मसाले को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाले भी काफी अच्छी तरीके से भून गए हैं, ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसलिए मैं 3 से 4 ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी तीखी वाली है तो आप यहाँ पे कम यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। आप चाहे तो टमाटर को बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसकी प्यूरी बनाकर ऐड किया है। और टमाटर ऐड करेंगे तो नमक भी जरूर से ऐड करेंगे, तो साथ ही मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसे ढककर ना 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे भूनने देंगे ताकि टमाटर और मसाले जो है वो अच्छी तरीके से भून जाए। इधर हम प्रेशर कुकर भी देख लेते हैं हमारा जो मटर है वो अच्छी तरीके से कुक हुआ है या नहीं। तो इसका जो प्रेशर है ना वो आप खुद से ही निकलने दें, उसके बाद आप मटर को चेक करें। तो यहाँ पे देखिए मटर जो है अच्छी तरीके से कुक हो गया है। एक मटर को लेकर हम इस तरीके से मैश कर लेंगे। अगर ये अच्छी तरीके से मैश हो रही है ना, इसका मतलब जो मटर है हमारा वो अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इधर हम मसाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मसाले भी अच्छी तरीके से भून रहे हैं, ऑयल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा बहुत ही अमेजिंग खुशबू आती है, बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरीके से भून गया है। तब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे ये बॉईल किया हुआ। यहाँ पे आपको पानी का यूज नहीं करना है, केवल बॉईल किया हुआ मटर आप इसमें डाल दें और मसाले के साथ ना इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम ढक के 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जो मटर है वो भी अच्छी तरीके से भून जाए। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि मटर को बॉईल करने के साथ ही वो पानी के साथ इसमें डाल देते हैं मसाले में, जिससे मटर जो है अच्छी तरीके से भून नहीं पाता और वो जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता है। तो आप इसे अच्छी तरीके से ढककर भून ले जब तक जो मटर है वो इस तरीके से ड्राई ना दिखने लगे। यहाँ पे देखिए मसाले और मटर पूरी तरीके से ड्राई हो गए हैं, इसका मतलब
मतलब है मटर जो है वो अच्छी तरीके से भुन गया है। इसे अच्छी तरीके से भुनने में आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, बट ये जब अच्छी तरीके से भुन जाएगी ना तभी आप इसमें पानी का यूज करें। तो यहाँ पे पानी का यूज ना हम वो वाला करेंगे जिसमें हमने मटर को बॉईल किया है, तो आप इस पानी को फेंके ना, ये पानी बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। तो यहाँ पे हम इस पानी का यूज करेंगे और डालकर ना हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको पानी यहाँ पे कम या ज्यादा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला यूज किया है और ये गरम मसाला ना घर की बनी हुई फ्रेश गरम मसाला है, तो इसकी खुशबू जो है बहुत ही अमेजिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला यूज किया है और गरम मसाला का यूज ना आपको लास्ट में ही करना है, जब ग्रेवी में बॉयल आने लगेगी तब आप इसमें यूज करें, तो सब्जी का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा अमेजिंग आता है। तो बस ढककर इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे 5-6 मिनट के बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारी सफेद मटर की छोले या सब्जी बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। बस लास्ट में इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, धनिया के बिना तो हमारी सब्जी अधूरी है। और बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले और ये हमारी छोले जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अगर आपने कभी इस मटर के छोले को ट्राई नहीं किया ना तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इस सब्जी को ना आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। इस सब्जी में आप चाहे तो आलू की टिक्की बनाकर टिक्की चाट के तरीके से भी यूज कर सकते हैं, समोसा डालकर समोसा चाट की तरह भी आप खा सकते हैं, या आप चाहे तो इस सब्जी में दही प्याज टमाटर डालकर भी नॉर्मल चाट की तरह खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे एज ए सब्जी भी खा सकते हैं। ये एकदम सदा बाहर सब्जी है, किसी भी तरीके से खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। बहुत लोग इसे मटर की घुगनी भी कहते हैं, हर स्टेट में इसे अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं, बट ये सब्जी ना सच में बहुत अमेजिंग है। इसे मैं पर्सनली चावल के साथ खाना बहुत पसंद करती हूँ, मुझे चावल के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि रेसिपी पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की नई मजेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही नई मजेदार और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।